अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका स्वागत है जामिया वर्ल्ड पर। अब इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजीम डेयरी के पास, जिस तरह के यहाँ पर एम्स के डॉक्टर द्वारा यहाँ पर चलाया जा रहा है एक मेडिकल कैंप, और इसके बिना पर जो ये कैंप को कराया जा रहा है, इसके में यूनाइटेड एग्जेंस हेड के साथी लोग हैं, खासतौर पर उनसे बात करने में कोशिश करना चाहूँगा। खालिद जी, क्या कहना चाहेंगे, ओवरऑल किस तरह का ये मेडिकल कैंप है? देखिए, मेडिकल कैंप जैसे हम सब जानते हैं कि देश में जिस तरह की मूलभूत सुविधाओं की कमी है, आज एक अच्छा इलाज कराने गरीब आदमी के हाँ बिल्कुल बस से बाहर हो गया। ओखला जो कि अपने आप में बहुत डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ आसपास कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है जहाँ लोगों को ठीक इलाज मिल सके। या तो लोगों के पास हज़ारों रुपये हों जो वो प्राइवेट डॉक्टर्स पर खर्च कर सकें, या फिर वो दूर दूर जाके। तो हमने अपने साथी से मिले, एक डॉक्टर जेम्स में हमारे साथी डॉक्टर्स हैं, जो लोग जिन लोगों को भी ये फिक्र है उनसे बात करी, वो लोग तैयार हुए। फिर हमने एक ये मेडिकल विंग बनाया है यूनाइटेड अगेंस्ट हेड का, जिसमें हम अलग अलग इस तरह की बस्तियों में जाके जो है दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस तरह के मेडिकल कैंप्स को रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं और कैमरामैन से कहना चाहूँगा, मुझे दिखाएं जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में, खासतौर पर बटला हाउस हो, अजीम डेयरी का लोग हो, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आकर यहाँ पर फ्री में मेडिकल चेकअप करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, यहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग यहाँ पर मौजूद है। कहीं ना कहीं इस वक्त एक माहौल जो है, एक अवेयरनेस जो कि यूनाइटेड अगेंस्ट हेड इस हिंदुस्तान में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है सामाजिक एतबार से भी, और जिस तरह से अभी मेडिकल के बिना पर यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगा मैं, ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का मतलब के लोगों का पेशेंट का आना हो रहा है? हर तरह के पेशेंट आ रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा बीमारियां भी काफ़ी बड़ी भी हैं, जैसे स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, आँखों की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और बीपी भी कंट्रोल में नहीं है। तो ओवरऑल अगर प्रोफाइल देखा जाए तो ओवरऑल पेशेंट्स काफ़ी मतलब काफ़ी अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में है, लेकिन फिर भी वो लोग पता नहीं क्यों किसी बड़े हॉस्पिटल या कहीं से इलाज नहीं करवा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक परसेप्शन है कि एम्स के डॉक्टर से चेकअप फ्री में हो रहा है, और कहीं ना कहीं यूनाइटेड अगेंस्ट हेड का जो बैनर तले ये प्रोग्राम हो रहा है, कितना लोगों के अंदर अवेयरनेस देख रहे हैं आप? नहीं, लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, हर कोई एम्स का नाम देख के यहाँ पे आ रहा है, मिलने आ रहा है, अपना कंसल्टेशन कराने आ रहा है, पूछना चाह रहा है अपनी परेशानी के बारे में। लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां मुझे लग रहा है कि आसपास स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ना होने के कारण इनको ये परेशानी आ रही है, इलाज करवाना चाह रहे हैं लेकिन इनको वैसी फैसिलिटीज़ आसपास नज़दीक में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए ये इलाज कर नहीं पा रहे हैं, करवा नहीं पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, अभी आप यहाँ पर सर एम्स के डॉक्टर लोग आए हैं और आप लोग यहाँ पर चेकअप कराने आए, कैसा लगा? अच्छा लगा है, मगर आँखों के लिए आए थे हम, ज़्यादा आँखों का तो नहीं है डॉक्टर कोई, जो भी शुगर की है, हाँ शुगर का तो चेक करवाया है। इस तरह से कैंप लग रहा है, नहीं अच्छा लगा ना। ओवरऑल जैसे कि यहाँ पर आपने सुना बातें कि जिस तरह का कैंप नहायत ही एक अच्छी बात हो सकती है, और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों का है आना हुआ है। बहरहाल कैमरामैन रागिब राही के साथ मैं मोहम्मद तस्लीम।